कर दिया है सेट, गाड़ी 80 पे क्रूज कर रहा हूँ अभी, और थोड़ी थोड़ी नींद भी आना स्टार्ट हो गई है यार। और कल रात को लेट सोए थे। हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर बचा हुआ है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू है जी, थैंक यू। यहाँ पर लैंडस्लाइड का सीन हुआ था। वेलकम बैक टू द चैनल वर्ल्ड ऑफ आकाश। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड बाय मॉर्निंग के हो रहे हैं 4:30 AM। हम लोग हो रहे हैं रेडी। कहाँ जाने के लिए? हम लोग जा रहे हैं अपने एक नए ट्रिप पे, अपनी विटारा को लेके। विटारा के साथ अपना पहला ट्रिप है। चीज़ें भाई बैग वगैरह ये सारे पैक कर दिए हैं, और जो छोटा मोटी जो चीज़ें रह रही हैं वो अभी रख लेंगे और फटाफट हो जाते हैं रेडी। हमने पाँच बजे अराउंड निकलने का टाइम बनाया है, तो 5 बजे तक हम लोग कोशिश करते हैं कि रेडी होके निकले, ताकि हम टाइम से आगे पहुंच भी जाएं। ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी आज हमारी, तो जल्दी फटाफट रेडी होते हैं। रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, आई एम बैक। भाई हम लोगों ने रेडी बिल्कुल सामान रखा ही, देखो पीछे अपना सामान पूरा रेडी है। बस ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, ठीक है? सामान रखते हैं गाड़ी में, 1 2 3 का गो। तो जो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, फटाफट अब चलते हैं गाड़ी में, रखते हैं अपना ये वाला सारा सामान और निकलते हैं। टाइम हो गया भाई 6:15 हो चुके हैं, टाइम हो गया है ज़्यादा। निकलते हैं भाई, वरना हो जाएंगे रात को काफ़ी लेट। चलो जी, मम्मा पापा को करते हैं बाय। बाय पापा, बाय। आते हैं हम लोग घूम के, खुश रहो। बाय मम्मी, बाय। खुश रहो, अच्छे से जाना, अच्छे से जाएंगे एकदम एकदम। जब अच्छे से जाना, अच्छे से आना, अच्छे से व्लॉग बनाना, अच्छे से सारी वीडियोस, वीडियो आएगी, अच्छे से आएगी, डिटेल्ड आएगी, देखना भाई ध्यान से। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना वीडियो को, जहाँ पर भी देखा हो आपने। चलो जी, चलते हैं फिर, ठीक है? गाड़ी में रखते हैं सामान, नीचे मिलते हैं आपको। भाई अपनी कार एकदम साफ क्लीन की हुई है, सब कुछ ओके कर रखा है, मस्त लग रही है एकदम। अभी दिखाता हूँ आपको। अब देखो भाई, जी भाई आ गए हैं अपनी कार में, सारा सामान हमने रख दिया है। और टाइम हो रहा है भाई 6:25, और बाहर अभी भी भाई अंधेरा ही हो रहा है। मैंने गाड़ी की लाइट जलाई हुई है ऊपर, अंधेरा हो रहा है भाई अभी भी। और निकलते हैं अब गाड़ी में, अभी फ्यूल लेना है, फ्यूल नहीं है कार में, ठीक है? चलो भाई, मम्मी पापा को करते हैं बाय। आते हैं हम लोग घूम के, ठीक है? हम लोग घूम के आते हैं अभी। सो मैं अपने रेडी हो गई है, अपनी कार रेडी है, और ट्रिप मीटर्स कर लेते हैं भाई। 0 ट्रिप भी कर दिया 0। ये हमारे टोटल ट्रिप्स हैं, ये भी कर दिया 0। और भाई हमारी एवरेज भी रीसेट कर रखी है। तो जी करते हैं हम अपना ट्रिप स्टार्ट, लेते हैं भगवान का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपा करना भगवान जी, और हमारी जर्नी अच्छी हो, एडवेंचरस हो, बढ़िया हो एकदम, जो हम सोच के जा रहे हैं वो
करके आए। चलो चलते हैं, अभी गाड़ी में लेना है फ्यूल। फ्यूल नहीं लिया है, फ्यूल लेके सबसे पहले फ्यूल फिल कराना है कार में, फ्यूल कम है। तो जी वेदर देख लो, 6:30 बज रहे हैं अभी और दिन नहीं निकला भाई बिल्कुल भी। कैमरे में तो फिर भी पता नहीं कि थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रहा है, मगर इससे थोड़ा सा डार्क ही है भाई। मॉर्निंग में 6:30 बजे देखो रोडों पे क्या हाल है, सुबह सुबह लोग चलने लग गए और ट्रैफिक भी लगा हुआ है भाई यहाँ तो टर्मिनल की रेड लाइट पे। फॉगी फॉगी हो रहा है भाई पूरा, और ये फॉगी भी भाई पोल्यूशन हो रखा है फुल। कल भी साया था, शादी होगा ना, तो कल भी भाई बहुत क्रैकर्स जलाए हैं लोगों ने, बहुत बम फोड़े हैं भाई कल भी। भाई गाड़ी में फ्यूल अभी इतना ही है, अभी फुल कराएंगे। और मैंने अभी घर पे ना एवरेज फ्यूल वाला रीसेट कर दिया था और अपनी ट्रिप्स भी रीसेट कर दी थी दोनों ए और बी। अभी रेंज जो आ रही है गाड़ी में 61 की है और 7 की एवरेज दिखा रहा है, जिसमें कि अभी 2 किलोमीटर की गाड़ी चली है। नीचे मेरा मीटर देख सकते हो आप, देखते हैं भाई विटारा की परफॉर्मेंस आज। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है विटारा को लेके जो जा रहे हैं हम, फुल एक्साइटेड है भाई फुल। चलो जी फ्यूल पंप आ गया है, पेट्रोल लेते हैं, टैंक कराते हैं फुल और साथ में देखेंगे भाई माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आज गाड़ी की टेस्टिंग है, आज टेस्टिंग है। तो जी करा रहे हैं यहाँ पर टैंक फुल। मैं ऑनलाइन नहीं है, कार्ड है पैसे। कार्ड देंगे भैया, ठीक है जी। 0 चेक कर लिया, चलो भाई 3200 ऑलमोस्ट 3300 पे ऑटो कट हो गया, ऊपर तक कर दो भैया देखते हैं कितना है। ऑटो कट के बाद में 2-3 लीटर तो आ जाता है ना आराम से, ऊपर तक कर देना भैया बिल्कुल बस गिरे ना। चलो जी ऑलमोस्ट हो ही गया है वैसे ना, चलो जी फुल हो गया। कितने का है भाई? 3458 रुपये। बहुत मस्त वेदर हो रहा है यार, मज़ा आ गया देख के। मॉर्निंग व्यू यार अलग ही होता है, हम लोग सो के उठते हैं यार 8 बजे 9 बजे, उससे पहले का जो व्यू होता है ना वो अलग ही होता है। कभी कभी हम जब ट्रिप पे जाना होता है तभी उठते हैं जल्दी, या कोई काम होता है तभी उठते हैं, वरना तो नॉर्मल रेगुलर लाइफ में 5-6 बजे तो नहीं उठते हैं। बट वेदर के साथ ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में ना बहुत पोल्यूशन है, पूरा फॉगी हो रखा है पोल्यूशन की वजह से, विजिबिलिटी बहुत कम है। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है भाई, फुल मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। जी हम आ गए हैं करनाल वाले रोड पे, ये लो जी करनाल की तरफ हम लोग टर्न हो चुके हैं। वाओ भाई क्या वेदर, क्या पोल्यूशन, समझ ही नहीं आ रहा भाई। सेवेंटी की स्पीड लिमिट है, ये तो आपने देखा ही नहीं भाई कूड़े का पहाड़। क्रूज कर दिया है सेट, गाड़ी 80 पे क्रूज कर रहा हूँ अभी, और अभी फ्यूल इकोनॉमी होने वाली है ऑलमोस्ट 16 और 26 किलोमीटर चली है अभी गाड़ी, और बट चल अभी हाईवे पे ही है, अभी हाईवे पे चल रही है। उससे पहले हम लोग सिटी से निकल के आए हैं दिल्ली से, और हाईवे का फील देखो भाई, इतनी खुशी हो रही है जाने में भाई, मज़ा आ गया।
तो जी हमारा जो लास्ट ट्रिप था वो था बद्रीनाथ का, और हम लोगों ने वो ट्रिप किया था अपना वैगनार के साथ। अगर आपने वो ट्रिप की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख के आना और चैनल भी सब्सक्राइब करना। और अब हमने अपनी न्यू कार ली है, ग्रैंड विटारा, जिसको लेके हम जो जा रहे हैं अब हिमाचल। यस, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है विद विटारा। ये विटारा के साथ हमारा पहला ट्रिप है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, फुल्ली एक्साइटेड, बिकॉज एक तो गाड़ी चेंज हो गई है भाई, मजा आने वाला है फुल। गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, मजा आ रहा है हाईवे पे चलाने में, एकदम स्मूथ, एकदम अच्छा फील हो रहा है, सस्पेंशन अच्छे हैं कार के, और ट्रिप के लिए तो एक्साइटेड है ही। हाईवेज बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस बार हमने अपना कैमरा चेंज कर दिया है और वीडियोस बताना कैसे आ रहे हैं। चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो रहा है, रोड्स दिखाते हैं आपको, अमेजिंग रोड्स। पानीपत के लिए सीधा और बागपत के लिए जा रहे हैं भाई लेफ्ट। लेफ्ट में जो ये रोड जा रहा है, ये वाला जो रोड जा रहा है वो जा रहा है भाई बागपत, और हम जा रहे हैं सीधा मूरथल है यहाँ से 9 किलोमीटर। और कुछ नहीं भाई, सीधे सीधे जाना है हमें, करनाल जाना है, करनाल से फिर राइट होके चंडीगढ़ चले जाएंगे। फर्स्ट टोल आ गया आफ्टर मूरथल,
जो आपने देखा वो भाई अच्छा नहीं था, एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे भाई किसी का, वहाँ पर ट्रैफिक लग रहा था यार, बंदा सेफ हो, एम्बुलेंस वगैरह आई हुई थी और काफ़ी भीड़ लग रही थी, ट्रैफिक हो गया था बहुत ज़्यादा, बंदा सेफ हो यार, गॉड ब्लेसिंग भाई, अच्छे से ड्राइविंग करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए यार, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी सारी पुलिस भी थी वहाँ पर, बट ठीक है यार, ख्याल रखना वो पहुँचे हमारा ट्रिप हमारा अच्छे से हो। और भाई वेदर बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो रहा है, ड्राइव कर लिया 98 किलोमीटर्स और गाड़ी की जो एवरेज अभी दिखा रहा है ऑडोमीटर में वो दिखा रहा है 18 की, और कंटिन्यूसली मैं क्रूज़ कर रहा हूँ कार 80 पे 90 पे 80 पे 90 पे 95 पे, रोड लिमिट्स के अकॉर्डिंग, अगर 90 की रोड लिमिट है तो मैं 88 85 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, अगर 100 की है तो 95 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, और रोड कंडीशंस भी ठीक हैं, अभी तो हाईवे भी चल रहे हैं तो एवरेज काफ़ी अच्छा आ रहा है, 18.1 हो गई। और इसी के साथ भाई आ गया है अपना नेक्स्ट टोल टैक्स, यहाँ से करते हैं भैया क्रॉस। गाड़ी चली है भाई अभी बस खाली 116 किलोमीटर और टोल आ गया है हमारे थर्ड। तो जी भाई हम 2 मिनट रुके हैं ऑरेंज का जूस पीने और भाई नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, तो जी जूस वगैरह पी लिया है हमने भैया से लेके, आ गई है एनर्जी और अब निकल रहे हैं दोबारा वापस अपनी ड्राइविंग सीट पे, ड्राइव करने का मज़ा ही अलग आ रहा है यार, चलो चलते हैं दोबारा। हेलो जी आ गए अंदर, पहुंच गए अंबाला और अब यहां से हो जाएंगे भाई लेफ्ट टर्न लेके हम जाएंगे शिमला की तरफ। लो जी अब हम आ गए हैं अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे, अब क्रूज किया हुआ है भाई 98 पे सेट, ट्रैफिक का माहौल और यहाँ हाईवे पे चल रहा है काम। तो जी अब बचा है भाई 117 किलोमीटर और 3.5 घंटे दिखा रहा है, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, अब थोड़ा रोडों पे रश हो गया है, अब तक तो काफ़ी अच्छे स्पीड्स मेंटेन करके आ गए हैं 80-90 बट अब पता नहीं, अब हो जाएंगे पहाड़ शुरू थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पे आएगा ड्राइविंग करने का असली मज़ा। और टेम्परेचर हो रहा है भाई 24 डिग्री सेल्सियस और गर्मी हो रखी है खूब, अच्छी खासी गर्मी लग रही है ना समय, गर्मी तो बहुत काफ़ी लग रही है यार, मतलब ठंडी का सोचा था वैसे ठंडी नहीं, नहीं ठंड
वंडा का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला जाएंगे, कुफरी जाएंगे, नारकंडा जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे, और जहाँ नहीं जा पाएंगे वहाँ पर कैसे बताएंगे आपको बता ही नहीं पाएंगे। फिर हम लोग अगली बार जाएंगे। ये हमारा छोटा सा ट्रिप है, इस वाले ट्रिप को इंजॉय करते हैं। ट्रिप थोड़ा छोटा ही रहेगा, 2-3 दिन का ही ट्रिप है, बट होगा बहुत अमेजिंग। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। लो जी, अगेन अनदर टोल। ये है 5th टोल। देखना भाई सामने थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है ना माउंटेन्स। फॉगी बहुत हो रहा है तो बहुत ही कम नजर आ रहा है। जैसा कैमरे में दिख रहा है वैसे ही मेरे को दिख रहा है बाहर। कैमरे में फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा पता चल रहा है, बट नॉर्मली इतना भी नहीं दिख रहा। टेम्परेचर तो समझ में आता है, नवंबर के एंड में 25 डिग्री, गर्मी हो रही है भाई, रियली गर्मी हो रही है। देखो कितनी आ रही है, यहाँ पर धूप डायरेक्ट लगती है और तेज लगती है तो इसलिए और ज्यादा लग रही है। हाय हाय माउंटेन्स देखो, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर भाई ये वाला टोल आ गया है फर्स्ट। अब एंट्री हो रही है हमारी पहाड़ों पे, नज़ारे आएंगे बहुत तकड़े तकड़े। अब ये देखो चलो जी यहाँ देखते हैं भाई। टोल तो हाईवेज के हो चुके हैं और ये 6th है जो पहाड़ों पे एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पे आ रहा है, तो देखते हैं भाई इस पर क्या फीस लगती है। चलो जी पर्ची हमने ले ली है, टोल हमने दे दिया है 50 रुपीज का। और अब ये दोबारा से पहाड़ पहाड़ी पहाड़ मजेदार नजारे मजेदार नजारे। वाह यार इनका परमिशन देखना, इधर राइट साइड कितने सारे ना, कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे, इस टाइप से दिख रहे हैं। अमेजिंग है यार। अपना डिस्टेंस भाई 90 किलोमीटर रह गया है बस, जिसमें कि टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटे। ओ माय गॉड, ये देखो जी ये क्या है। ओ माय गॉड भाई नीचे कितना, हमने वहां खड़ी कर दी है और हम आए हैं भाई यहाँ से कुछ खाना पीना खाने, और इसके बाद निकलेंगे आगे। हमारा डिस्टेंस बचा है अभी, हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स बचा हुआ है जिसमें कि 2.5 घंटे करीब लगेंगे। भाई हमारे राइस आ गए, देखने में तो टेस्टी से लग रहे हैं। सैलेड भी आया भाई थोड़ा सा।
भाई हमारा आलू का पराठा भी आ गया, चाय भी आ गई, राइस हम खा रहे हैं, सैलेड आ गया, मज़ा भी आ गया। सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 88 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है मुझे। तो ये पूरी की पूरी जो ड्राइव रहेगी वो सारी माउंटेन्स की रहेगी, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, पीछे मैंने एंट्री करी थी। तो चलते हैं भाई, अब पहाड़ों के मज़े लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, तो जी देख रहे हो अपने आगे जा रही है वेलफायर, मस्त लग रही है भाई गाड़ी, एक नंबर की, बहुत मस्त। और भाई वेलफायर के अलावा नज़ारे नज़ारे यहाँ देखो आप। टॉय ट्रेन, शिमला की टॉय ट्रेन है भाई ये, कहाँ गई, ऊपर चली गई भाई, अब हमें दिखेगी दूसरे रास्ते से आई थी, चल तो रही है साथ में ही, ठहर ले ली, पता नहीं चल रहा भाई, चलो कोई बात नहीं भाई। भाई यहाँ का जो वेदर है ना, वेदर धूप हो रही है, 22 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा कम हो गया है, पहले 25 था अब 22 हो गया है। अगर आप रुक जाओगे ना तो ठंड लगेगी, मतलब ठंड नहीं लगेगी सॉरी गर्मी लगेगी, और गाड़ी चल रही है आपकी तो फिर नॉर्मल लगेगा। मैंने थोड़े से विंडोज़ थोड़े थोड़े से ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर जाके इसको ऑन किया है, बीच में उड़की थी भाई लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा, और ये आई थिंक उस टाइम की है, ये वन वैले जो हिमाचल में बारिश की वजह से जो तबाही मच रही थी ना, ये उसका ही रिजल्ट है। यहाँ से रह गया है शिमला 50 किलोमीटर्स, डॉट 50 किलोमीटर्स, अपनी डेस्टिनेशन जो है वो मैंने लगाई हुई है 50 किलोमीटर्स है, और उसके अलावा भाई अब यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है पूरा, होटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, रोड्स अमेजिंग है, कभी रोड बहुत है बट ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी नींद भी आना स्टार्ट हो गई है यार, और कल रात को लेट सोए थे, कल पूरे दिन बिजी था, उसके बाद रात को 12-12:30 बजे तक पैकिंग वैकिंग करके फ्री हुए थे, फिर 4 बजे वापस फिर उठ गए। अभी 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, तो इसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे जाके पहले तो यार रिलैक्स करूँगा, देन उसके बाद निकलेंगे कहीं पे बाहर। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग हो रखा है भाई, रोड की कंडीशन ठीक नहीं थी राइट साइड में, ऊपर का जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये वाला फ्लाईओवर है ना वो बन रहा है, वो बन जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे रोड पीछे थे ना हाईवे एकदम बढ़िया वाला रोड बन जाएगा। ये सोलान है, हाँ ये सोलान है, अभी हम सोलान में आ गए हैं, सोलान से शिमला 40-45 किलोमीटर्स अवे है, बट काफ़ी ना हैपनिंग है। ये आगे भाई फाटक, यहाँ से जाएगी ट्रेन, बहुत अच्छा यहाँ से जाती है, ये टॉय ट्रेन वाला ही रास्ता लग रहा है मेरे को, ये टॉय ट्रेन जाती है इधर से, वही वाली जो हम देख रहे थे। हाँ ओहो, रोड भाई टूटा फूटा था, गाड़ी हिल रही है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है बट इतना तो एक्सपेक्टेड है,
कहीं पर मिल सकता है। बट वैसे भाई ओवरऑल रोड फिर भी ठीक है भाई। गाड़ी पहाड़ों की ट्रिप ले रही है भाई, फर्स्ट ट्रिप है इसका और ये जा रही है भाई जिमनी। छोटी लगती है साइज में थोड़ी, पर ठीक है यार। तो जी जूस हमने पी लिया है, मजे आ गए, दोबारा से एनर्जी आ गई है, लो हो गए थे, नींद आ रही है यार, थोड़ी वीकनेस आ रही है नींद की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया यार, कल पूरा डे बिजी गया था और उसके अलावा रात को भी टाइम से नहीं सोए, पैकिंग वैकिंग नहीं करी थी। तो वही है बस, अब निकल रहे हैं दोबारा वापस विटारा लेके अपनी, और ट्रैफिक भी काफ़ी जा रहा है यार। वीकेंड है ना, वीकेंड पर ट्रैफिक काफ़ी होने वाला है, देखते हैं कल परसों में क्या होता है, है ना, कल परसों में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। जहाँ तक भी वीडियो देखी हो ना, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन हो ना कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और अच्छे ट्रिप्स ला पाऊँ। कमेंट में मेंशन करना कि आपको और क्या देखना है, कहाँ हम जाएँ, अब नेक्स्ट ट्रिप हमारा कहाँ का हो, बड़ा ट्रिप बनाएंगे तो कमेंट में मेंशन करना, आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर कुछ जगह देखनी हो तो फिर वहाँ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ कमेंट जो भी होंगे उसी के हिसाब से ही हम लोग प्लान करेंगे अपना नेक्स्ट मंथ का ट्रिप। चलो अभी चलते हैं आगे शिमला की तरफ। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वीडियोज डिटेल्ड आएंगे और इनके एपिसोड्स आएंगे, तो फर्स्ट एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।